अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में सोशल मीडिया पर मैंने कुछ वीडियोस देखी और बड़ा ही मुझे एक झटका लगा कि क्या वाकई इकरारुल हसन साहब एआरवाई न्यूज़ पर जो एंकर है सरयाम के नाम से प्रोग्राम करते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आए दिन स्कैंडल्स जो है उनके बारे में आते रहते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में तीसरी शादी भी कर दी है अरूसा खान नामी एंकर से। उनके बारे में ये था कि जनाब उन्होंने तहरीक लब्बैक ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है। ये बकायदा थंबनेल बनाए गए जो मैंने देखे और आप लोगों को भी इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और मुझे वाकई बहुत हैरत हुई कि यार इकरारुल हसन ने शायद सियासी जमात या मजहबी जमात ज्वाइन कर ली है। उस वीडियो को खोला तो उसमें 9 मिनट कुछ सेकेंड्स की इकरारुल हसन की एक वीडियो थी। वो तकरीर कर रहे थे तहरीक लब्बैक के सालाना इजलास जहाँ पर उनके बानी है खादिम हुसैन रिजवी साहब उनके जो सालाना ख़त्म होता है उसके मौका पर वो वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए मेहमान खसूसी के तौर पर और उनको स्टेज दिया गया एक तकरीर की। और उस तकरीर में उन्होंने 2 से 3 बातें की जो बहुत मेन बातें थी। उन्होंने पहली बात ये की कि मैं आप लोगों का सफ़ीर बनूंगा, आप लोगों का मुकदमा लड़ूंगा। यानी कि आप लोगों का तहरीक लब्बैक का मुकदमा ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाती है तो उस बेहुरमती करने वाले को सजा दी जाए और उन लोगों को बताया जाए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम जो है हमारे दिल के बहुत करीब है, हमसे हमारे लिए हमारी जान से भी बढ़कर है और इंसान के लिए जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो उन्होंने इस एंगल से बात की और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा भी आखिर में लगाया और इस चीज़ को ऐसे उछाला गया सोशल मीडिया पर। अच्छा, इसके पीछे कोई खुद तहरीक लब्बैक खुद नहीं है, तहरीक लब्बैक ने ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं की। इस तकरीर के दौरान इकरारुल हसन ने 2 अशआर भी पढ़े, नातिया अशआर, बड़े ज़बरदस्त किस्म के अशआर पढ़े। और उसी तरह वहाँ पर क्योंकि तहरीक लब्बैक बरेलवी मकतबे फ़िक्र को रिप्रेजेंट करती है तो उनके ऊपर नोट भी वहाँ पर नचावर किए गए जिस तरह आम नात खानों पर नोट नचावर किए जाते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा ही अजीब सी एक सिचुएशन थी। इकरार खुद भी उस वक्त कन्फ्यूज़ हो गया था कि ये क्या हो रहा है यार कि नोट वहाँ पर निचावर किए जा रहे हैं। तो इकरार ने वहाँ पर 2 से 3 बातें की। एक तो ये किया कि मैं मुकदमा लड़ूंगा, आपका सफ़ीर बनूंगा, किस वजह से, इस नारे की वजह से रसूलुल्लाह की हुरमत के लिए दुनिया भर में जाऊंगा, मैं 60 से ज़्यादा मालिक को विजिट कर चुका हूँ तो वहाँ पर आपका मुकदमा लड़ने की कोशिश करूँगा अपने प्लेटफॉर्म से। यानी अपना प्लेटफॉर्म से मुराद उनका अपना यूट्यूब या फेसबुक पेज था, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज इकरारुल हसन के नाम से, तो वहाँ पर आपका मुकदमा लड़ने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अगर फेसबुक पर तहरीक लब्बैक के हवाले से इकरारुल हसन कोई वीडियोस बनाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका फेसबुक पेज सरवाइव कर पाएगा। 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में उनका पेज फारिख कर दिया जाएगा। तो ये तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, तहरीक लब्बैक की तहरीक के लिए वो काम नहीं कर सकते। अलबत्ता इस स्लोगन के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह की हुरमत के लिए वो हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा सकते हैं, गैर मुस्लिमों को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे आका और मौला अलैहिस्सलाम की जो बेहुरमती कर रहे हैं और आपको गलत बताया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम अखलाक का नमूना है। अल्लाह के रसूल जो है तमाम इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे, तो ये दुनिया को कन्विंस करना होगा। लेकिन तहरीके लेकिन जब जो मैंने थंबनेल्स देखे वहाँ पर वहाँ से ये तासुर दिया गया कि जनाब इकरारुल हसन ने तहरीक लब्बैक ज्वाइन कर लिया है, ऐसा हरगिज़। अच्छा, ये अब इसमें ये 1-2 चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ कि तहरीक लब्बैक ने ऑफिशियली ख़ुद ये नहीं कहा कि इकरारुल हसन ने TLP ज्वाइन कर लिया है, बल्कि कुछ यूट्यूब पेजेस, जाहिर सी बात है व्यूज़ भी लेने होते, मिर्च मसाला भी लगाना होता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती है सोशल मीडिया पर और मजबूरी बन चुकी है और डिमांड बन चुका है। बड़े बड़े एंकर्स ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं कि सिर्फ तहरीक लब्बैक ये काम कर रही है, बड़े बड़े एंकर्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसी वजह से उनको व्यूज़ आते हैं। तो ये ऑफिशियली तहरीक लब्बैक का इस मामले से किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। अलबत्त तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने वाले यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेजेस इस तरह की हरकतें करते हैं और इससे फिर ये तासुर जाता है कि यार TLP वालों में और बाकियों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं, बाकी भी झूठ बोलकर मसाला लगाकर वीडियोस को बेचते हैं, व्यूज़ लेते हैं, डॉलर्स कमाते हैं और आप लोग भी कमाते हैं। कम अज़ कम तहरीक लब्बैक के कारकुनों को ये चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें ना करें, उससे उनका इमेज मज़ीद मुतासर होगा। बाकी TLP बड़ा ही अहम फैक्टर और रोल प्ले करने वाली, बिलखसूस जब से साद रिजवी ने TLP को संभाला, इस पर एक अलग व्लॉग करूँगा इंशाल्लाह।
उसमें आपको बताऊंगा कि टीएलपी ने कितनी कोई इम्प्रूवमेंट की है पिछले एक से दो सालों में, क्या क्या गलतियां उनसे हुई और उन्होंने किन किन गलतियों के ऊपर जो है रुजू किया, और बहुत पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर आ चुकी है बहुत ज़्यादा, वो आपसे किसी और व्लॉग में डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तहरीक लब्बैक अब पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा पॉलिटिक्स में, बहुत बड़ा, वोट बैंक के हवाले से और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, खा वो एस्टैब्लिशमेंट हो खा वो इलेक्शन कमीशन हो, आप टीएलपी को अब रोक नहीं सकते, उनको अब आपने टीएलपी को अब स्पेस देनी होगी, आपको सूबाई लेवल पे भी स्पेस देनी होगी, आपको वफाकी लेवल पर भी स्पेस देनी होगी। और इसके अलावा टीएलपी ने पिछले इलेक्शन में 2018 में गालिबन 21 लाख और 22 लाख के दरमियान में वोट भी हासिल किए थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और पहली मरतबा किसी सियासी जमात ने ऐसा इलेक्शन लड़ा हो और पहली मरतबा उनको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई हो। लेकिन इनके बानी जो खादिम रिजवी साहब हैं, उनके गुजरने के बाद उनके बेटे ने जब मनसब संभाला तो बहुत सारी जो इंतहा पसंदी के हवाले से जो इमेज बना हुआ था तहरीक लब्बैक का, जिस पर मैं भी क्रिटिसाइज़ करता था, बहुत सारे लोग इवन इकराल हसन भी क्रिटिसाइज़ करता था, तो वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी मकातिब फ़िक्र को, फ़िरकों को, मसलकों को भी साद रिजवी ने प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है, तो ये अच्छी चीज़ें उनमें है पाई जाती है, उस पर मैं अलग व्लॉग करूँगा। लेकिन ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट करनी थी अपने व्लॉग में कि इस तरह के काम कम से कम टीएलपी को रिप्रेजेंट करने वाले जो नुमाइंदा पेजेस है उनको नहीं करने चाहिए कि वो इस तरह के गलत थंबनेल बनाकर, फिर असल में एतराज़ कोई भी उस पेज पे नहीं करता, वो जनाब टीएलपी वाले करते ही यही है, झूठ ही बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, पैसे डॉलर्स बनाते हैं, ये करते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम आपके ऊपर शद्दोमद के साथ आपके मुखालफिन आप पर लगाते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में टीएलपी के हवाले से, अगले किसी भी व्लॉग में, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट व्लॉग हो, दो तीन व्लॉग्स के बाद में भी हो सकता है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा टीएलपी ने कैसे इंप्रूवमेंट की है और टीएलपी कैसे एक अहम तरीन फैक्टर अब बन चुका है, कौन से वीक पॉइंट्स हैं और क्या एतराज़ात इनके ऊपर अभी भी मौजूद है। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मालूमात मुस्तकबिल करीब में भी मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।